Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Dikshit Soni and you are watching The Incomplete Diary. और आज का ब्लॉग मैं लेके आया हूँ बाइक मॉडिफिकेशन के साथ. और जैसे कि आपको पता है कि मैं मेटियोर 350 यूज़ कर रहा हूँ और उसको मॉडिफाई करने के लिए आज मैंने ऑर्डर की है मेटियोर की टेल टाइडी. और ये टेल टाइडी मैंने ऑनलाइन देखी थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मैंने इसको परचेज़ किया अमेज़ोन से. अमेज़ोन से ये मुझे पड़ी है 680 रुपीज़ के आसपास और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इस टेल टाइडी की, मेटल फ्रेम के साथ है. और अगर आपको ये परचेज़ करनी हो तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं. और आज मैं इसको इंस्टॉल करूँगा अपनी बाइक पे और आपको ये भी दिखाऊँगा कि इसकी लुक कैसे उभर के आती है विदाउट बैकरेस्ट. अभी जो ऑनलाइन मैंने जितनी भी वीडियोस देखी थी मुझे बैकरेस्ट के साथ मिली थी, जहाँ पे लोगों ने बैकरेस्ट के साथ ही टेल टाइडी को अटैच किया हुआ था, बट उसकी लुक इतनी एनहांस होके नहीं आती है. मेटियोर नेक लुक में ज़्यादा अच्छा लगता है विदाउट बैकरेस्ट. तो विदाउट बैकरेस्ट इस टेल टाइडी को मैं इंस्टॉल करूँगा आज और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये टेल टाइडी एक्चुअल में दिखती कैसी है. तो ये फ्रेम है भाई, ये मेटल का फ्रेम है. और अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, मेटल फ्रेम है और इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा है. तो ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल होगी. जो मेटियोर में जो बैक लाइट है उसको निकालना पड़ेगा हमें और बैक लाइट के साथ ये इंस्टॉल होगी. और इस तरफ इसके इंडिकेटर्स आएंगे राइट हियर और ये यहाँ पर इसका नंबर प्लेट इंस्टॉल होगा. तो फेस को कवर नहीं करते हैं, थोड़ा साइड में हो जाते हैं. तो यहाँ पे आएगी इसकी नंबर प्लेट, यहाँ पे आएगा इसका रिफ्लेक्टर और यहाँ पे आएंगे इंडिकेटर. और ये जो एरिया है वो हमारा बैक लाइट के नीचे जाके इंस्टॉल होगा. तो बिल्ड क्वालिटी का भाई मैं 5 out of 5 देना चाहूँगा इसको और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. तो अभी देखते हैं ये बाइक पर कैसे लुकआउट करती है और इसको अभी चलते हैं बाइक पर इंस्टॉल करते हैं. तो मिलते हैं आपको सीधा बाइक के पास. सी यू ओवर देयर. हे गाइस, सो अभी आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो टेल है वो काफ़ी लंबी है और रियर फेंडर के नीचे आती है. तो अभी हम जो ये प्लास्टिक की ट्रे आप देख रहे हो इसी को निकालने वाले हैं बाहर और अपनी नई टेल टाइडी इंस्टॉल करेंगे जो कि बिल्कुल इसके पीछे लगेगी. एंड वो तो लगने के बाद ही पता लगेगा कि भाई कैसी लुकआउट आती है. तो होपफुली अच्छी दिखे. और इसको लगाने का जो प्रोसीजर है ना भाई, वो है कि मुझे अभी यहाँ पर मैं चलता हूँ थोड़ा सा. अभी मुझे ये नीचे की तरफ से ये सारे स्क्रू खोलने पड़ेंगे एलन की से. मुझे नहीं पता कि अभी आपको दिख रहे हैं या नहीं, बट ये सारे स्क्रू को खोलना पड़ेगा. और उसके बाद जो ये वाला एरिया है वो मेरा बाहर आ जाएगा और इस सारी चीज़ों को मैं खोल के अपने टेल टाइडी पर माउंट करूँगा. देन उसको मैं अपनी बैकलाइट पे एडजस्ट करूँगा. तो अभी चलते हैं, इस पूरी जो नीचे वाला पार्ट है इसको निकालते हैं बाहर और फिर नए सिरे से इसको इंस्टॉल करते हैं. सो गाइस, कैमरा एंगल मैंने फिर से किया एडजस्ट. तो भाई जैसे कि अभी बताया ये तो हो गया हमारा पार्ट अलग. अभी अंदर बड़े स्क्रू लगे हुए हैं, अभी मुझे आइडिया नहीं है कि वो उस पर कौन से नंबर की चाबी लगेगी. ऑल इंफील्ड की किट निकालते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें वो चाबी मिलती है या नहीं. वैसे तो मुझे कोई भरोसा नहीं है, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई. होपफुली भाई पड़ी हुई है तो इस पर लगेगा 10 नंबर चाबी. तो अगेन इसको जो बैक लाइट को हम बाद में खोलते हैं, पहले अपने टेल टाइडी का जो सेटअप है उसको डन करते हैं. तो ये रही अभी मेरी टेल टाइडी, इस पर मुझे ये सारे जो चीज़ें हैं वो लगानी है. तो आपके ये हो गए इंडिकेटर्स और नंबर प्लेट मैं अभी बाहर जाके लगाऊंगा, क्योंकि ये लगी है के साथ. और ये रिफ्लेक्टर निकालते हैं, यहाँ पे माउंट करेंगे. अभी मैकेनिक तो है नहीं,
बट इसको लगाने के चक्कर में ना भाई, एक तो पहले टेल रिमूव करनी पड़ी, दूसरा मुझे बैक रेस्ट रिमूव करनी पड़ी, और बैक रेस्ट नहीं सॉरी बैक सीट रिमूव करनी पड़ी, और बैक रेस्ट बैक सीट के ऊपर जो वायर्स हैं वहाँ से उसको लूज़ करना पड़ा, बिकॉज ये जो लाइट है इसमें पूरी सिंगल वायर है और ये बैक सीट के नीचे जाती है, तो पूरा बैक सीट निकालना पड़ा मुझे। और एक तो पहले टूल की कमी है, ऊपर से यहाँ पे जो खलारा पड़ गया वो अलग, तो इसको निकालने के चक्कर में ही ना बैंड बच चुकी है, तो ये थोड़ा ट्रिकी प्रोसेस था। अभी आगे बढ़ते हैं, जो कि मैं अभी रेडी कर रहा हूँ टेल को, और जैसे ही रेडी होती है मैं आपको बताता हूँ भाई। सो गाइज, बैक अगेन, धूप पड़ रही है सीधे मुंह पे, तो इसको करना आप इग्नोर। तो बड़ी मुशक्कत के बाद भाई ये मेरा सेटअप हो गया रेडी। एक्चुअली इसमें थोड़ा फ़र्क था, अगर आपको भी ये फ़र्क महसूस हो जब भी आप ये टेल टाइडी बाय करें, तो इसको थोड़ा सा बेंड करना पड़ेगा भाई आपको, अदरवाइज़ ये प्रॉपरली बाइक पे फिट नहीं आएगा। तो इसने मुझे थोड़ा प्रॉब्लम दिया और इसको मुझे बेंड करना पड़ा। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि आपको अपनी बाइक के ओल्ड टेल से कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो मैंने यहाँ से एक ये रबड़ बैंड निकाला है, जो कि मुझे हेल्प करेगा कि पीछे मेरे फेंडर पे टच ना हो। और सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, मैंने ये सब कुछ माउंट कर दिया है, आप देख सकते हो ये साइड पे, और ये सब कुछ माउंटेड है। एंड द थिंग इज़, अभी ये रही मेरी ये बैक लाइट, ये सब ये रही बैक लाइट, और ये सब कुछ एक साथ ही वहाँ पे माउंट होगा, और जिसका भी मैं इंस्टॉल करता हूँ, और इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, हेयर इट इज़, और ये भाई बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे, और बहुत ही सेक्सी लुक आ रही है बाइक की। अभी जब इस पर नंबर प्लेट लग जाएगा तो भाई साहब अल्टीमेट लुक आएगी। यहाँ पे रियर टायर का आप लुक देख सकते हो कितना अच्छा आ रहा है भाई, और अभी मैं रोड पे लेके जाऊँगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी मेरी वो पुरानी टेल टाइडी जो पड़ी हुई है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, सारा सामान इससे मैंने निकाल दिया है भाई, और नंबर प्लेट है जो कि अभी मैं निकलवाऊँगा जाके, और देन इस पर नंबर प्लेट लग जाएगी। और एक ये जो साड़ी गार्ड है इसको मुझे निकालना है, बिकॉज ये थोड़ा मुझे अब ऑड लग रहा है, बिकॉज एक साइड से बाइक जो नेक्ड है और दूसरी साइड ये गार्ड दिख रहा है। तो आप भी मुझे बताएं भाई ये कैसे लग रहा है, टेल टाइडी कैसी लग रही है, और क्या बाइक का लुक आ रहा है, और ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई खुद से करूँगा। तो भाई अभी इसको निकालते हैं बाहर और नंबर प्लेट लगवा के आते हैं अपनी बाइक पे, देन मैं आपको फिर से मिलता हूँ। 2000 years later. Hey guys, welcome back. So, मैंने अभी नंबर प्लेट करवा दी है इंस्टॉल, और मैं आया हूँ अभी वापस। तो भाई थोड़ा धूल वगैरह से भर चुके थे इस काम के चक्कर में, तो मैंने अभी जस्ट चेंज किया है, और अब अभी मैं दिखाता हूँ आपको बाइक कैसी लुकआउट कर रही है भाई। तो भाई ये रही अपनी बाइक, और ये आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, नंबर बाइक का नंबर प्लेट लग चुकी है। एंड भाई देखिए क्या सही लुक आ रही है भाई बाइक की। तो मैं थोड़ा अभी रियर साइड पे जाता हूँ और आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो भाई ये पूरी लुकआउट आ चुकी है अपनी बाइक की। तो पहले जो मेरी नंबर प्लेट थी वो 3-4 नेट पे लगी हुई थी, तो अभी ये 2 पे ही सेटिंग आ गई है, और काफ़ी क्लीन दिख रहा है अभी, और जो टायर है वो भी काफ़ी एनहेंस लुक में आ रहा है, और ये काफ़ी एग्रेसिव भी लग रही है। तो भाई आज का जो काम था वो हो चुका है हमारा ख़त्म, बाइक लग रही है भाई बिल्कुल मस्त, और आई थिंक अभी वक्त आ गया है इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करने का। बट मैं चाहता हूँ कि आप सभी कमेंट्स में मुझे ये बताएं कि भाई ये मेरी बाइक पे कैसे सूट कर रही है, और इसका जो प्रोडक्ट लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आप भी ये परचेज़ कर पाएँ काफ़ी लेस प्राइस में। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, और ट्राई करूँगा अगला ब्लॉग में जल्दी लेके आऊँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल
द इनकम्प्लीट डायरी, और मैं मिलता हूँ सीधे आपसे अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।